टॉपिक न्यूटन रिंग्स में सबसे पहले आप लिखोगे क्या, जब आपके पास फेडरल बोर्ड वालों के पास खास तौर पे जब क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसको फुल एक्सप्लेन करना होता है. व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखना है. मैं समझाने में आपको पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, लेकिन आपने पेपर में पहले लिखनी डेफिनेशन है और फिर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. जो चीजें हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए हैं, पहली चीज जो हमें चाहिए दैट इज अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ. लॉन्गर फोकल लेंथ का मतलब क्या होगा कि हमें बहुत पतला प्लेनो कन्वेक्स लेंस चाहिए. जितना पतला लेंस होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी उसकी फोकल लेंथ होगी. तो उर्दू में आप कह सकते हो कि हमें पतला सा कन्वेक्स लेंस चाहिए, और इंग्लिश में आप क्या कहोगे कि हमें लंबी फोकल लेंथ, लॉन्गर फोकल लेंथ वाला प्लेनो कन्वेक्स लेंस चाहिए. प्लेनो कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है बेटा, जिसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन होती है और दूसरी साइड ऐसे कर्व्ड होती है. ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए दो ग्लास स्लैब्स. एक ग्लास स्लैब को हम रख देंगे बिल्कुल इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस के नीचे, और दूसरी ग्लास स्लैब को हम 45 डिग्रीज पे टिल्ट करके ऐसे रख देंगे. क्लियर है? थर्ड चीज जो हमें चाहिए इज अ बाय कन्वेक्स लेंस. प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा था, जिसकी एक साइड प्लेन थी और दूसरी साइड कर्व थी. और बाय कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, जिसकी दोनों साइड कन्वेक्स होती हैं, कर्व्ड होती हैं. फोर्थ थिंग, एक हमें चाहिए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोई भी सोर्स लोगे आप, लेकिन जो लाइट है वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए. हम असल में देखना चाह रहे हैं एक इंटरफेरेंस पैटर्न. इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें जो लाइट चाहिए होती है वो एक सिंगल कलर की लाइट होती है. जैसे लेजर लाइट होती है, रेड कलर की लेजर लाइट आपने अमूमन देखी होगी, उस किस्म की हमें लाइट चाहिए जो सिर्फ एक कलर से बनी होती है. उसी में हमें आराम से जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो दिखता है. एक कलर की लाइट में हमें डार्क ब्लैक एंड ब्राइट स्पॉट्स नजर आएंगे. अगर आप मल्टी कलर की लाइट यूज करते हो तब आपको मुख्तलिफ कलर के फ्रिंजेस नजर आएंगे, लेकिन हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए जो हमें बेस्ट चाहिए होती है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है. और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को आपने कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखना है. ऐसा आप क्यों करोगे, कन्वेक्स लेंस के फोकस पे इस लाइट को रखने का मकसद ये होता है कि लाइट की रेज जब भी कन्वेक्स लेंस के फोकस से कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी तो वो इससे टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी. हमें क्या करना है, हमें इस बीम ऑफ लाइट को पैरेलल करना है, बिल्कुल सीधा करना है, ताकि ये सीधा जाके हमारे बाकी सेटअप पे पड़े और हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल सके. ठीक है, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए जो आपने रखना है ऑन द फोकस ऑफ दिस बाय कन्वेक्स लेंस. देन यू नीड अ माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप से आप सारी अरेंजमेंट देखेंगे जो हमने की. माइक्रोस्कोप को आपने बिल्कुल जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का आपने सेटअप बनाया है नीचे, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करके रखना है आपने माइक्रोस्कोप. सो हियर इज आवर फाइनल अरेंजमेंट. इस तरह से कुछ फाइनल अरेंजमेंट आपको दिखेगी. क्या क्या चीजें हमने लिखनी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में, नंबर वन प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्गर फोकल लेंथ, टू ग्लास स्लैब्स by convex lens, a source of monochromatic light placed at the focus of the convex lens, and of course a microscope. अब बेटा हम जरा देखते हैं कि जब हम लाइट को इसमें से पास करते हैं तो होगा. अब यहाँ पर क्या होगा कि लाइट रेज, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज जो बाय कन्वेक्स लेंस पे टकराएंगी, यहाँ से टकरा के ये बाय कन्वेक्स लेंस इसको बिल्कुल पैरेलल कर देगा और ये सीधी आती हुई पहले ग्लास स्लैब से टकराएगी जो हमने 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करके रखा हुआ है. यहाँ से ये रेज, कुछ रेज रिफ्रैक्ट होंगी इसमें से निकल के पास होके ऊपर माइक्रोस्कोप की तरफ चली जाएंगी, और कुछ रेज रिफ्लेक्ट होंगी यानी बाउंस बैक होके नीचे वाले सिस्टम पे हिट करेंगी. सम आर रिफ्रैक्टेड रेज एंड द अदर्स आर रिफ्लेक्टेड रेज.
हमें जो पढ़ना है, हमें ये नेचर रिफ्लेक्ट होने वाली रेस को जरा गौर से देखना है बेटा। अगर आप इसको जरा गौर से समझो बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है इसमें हमारे पास एक ग्लास वेब है और एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ग्लास वेब और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में यहाँ पर हमारे पास भरी हुई है सारी एयर। ये पूरी जो जगह है ये फिल्ड है विद एयर, और इसी एयर की वजह से हमारे पास रिंग्स फॉर्म हो गए। ये एयर की एक थिन सी फिल्म बन रही है, ठीक है, एक पतली सी फिल्म बन रही है। ये जो एयर की फिल्म है इसकी थिकनेस 0 है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और जैसे जैसे हम पेरिफेरी या बाउंड्री की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, थिकनेस ज्यादा होती जाएगी। आप फर्ज करो कि किसी एक पॉइंट पे इसकी थिकनेस है 0.5 mm और एक दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो जिसमें यहाँ पर इसकी थिकनेस है 1 mm। अब बेटा आपको पता है कि यह एक सर्कुलर प्लेट है जो कि एक स्लैब पे पड़ी हुई है, तो अगर इसकी थिकनेस किसी एक पॉइंट पे 0.5 mm है फॉर इंस्टेंस, तो ये वाला जो 0.5 mm का डिस्टेंस होगा ये पूरा सर्कुलर पाथ में होगा। सर्कुलर पाथ में होने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ है नीचे, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है 0.5 mm, तो ये पूरा जो पीछे की तरफ से आप देखोगे ये पूरे जो हमारे पास एरिया है यहाँ सब पे इसकी थिकनेस कितनी होगी 0.5 mm, यानी पूरा एक सर्कुलर एरिया होगा इसकी थिकनेस 0.5 mm होगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर 1 mm है तो ये पूरा पीछे की तरफ से ये यहाँ पीछे सारा जितना भी सर्कुलर एरिया है इसकी पेरिफेरी से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है ये सारा जो सर्कुलर एरिया है इसकी जो एरिया है ये इक्वल होगा टू 1 mm। अब सर हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स पे इंटरफेरेंस किस तरह से होती है लाइट की। हमने सेटअप बनाया पूरा, हमें जो मेन हमारा मकसद था वो हमारा मकसद था इंटरफेरेंस करें, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस सिस्टम पे गिराना चाह रहे थे, बाकी सारा सिस्टम ये असल चीज हमारे पास ये है यहाँ पर कैसी इंटरफेरेंस हो रही है। आप फर्ज करो कि हमने जो लाइट इस पे थ्रू की ये एक लाइट की वेव है जो आती है इसमें से रिफ्रैक्ट होके इस प्लेट पे से बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर जाते हुए ये कुछ इस फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पर कैसी इंटरफेरेंस आपको नजर आ रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी किसी दो वेव्स के क्रस्ट आपस में टकराएं और ट्रफ ट्रफ से जाके मिलें तो इस किस्म की जो इंटरफेरेंस होती है तो हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट पे जब आप ऊपर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से इस स्पॉट पे आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। हमने पीछे बात की कि ये जो स्पॉट है इतनी ही जो एयर की डेप्थ है या एयर की इतनी ही थिकनेस एक सर्कुलर पाथ में, पूरा का पूरा जो सर्कुलर पाथ है प्लेट के नीचे उस पूरे में ये सेम थिकनेस है, तो इन तमाम पॉइंट्स पे ऑटोमेटिकली क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो इस तरह के आपको इस पूरे सर्कुलर पाथ में बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट पॉइंट्स नजर आएंगे और यही आपको एक ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी। सिमिलरली कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर इंस्टेंस बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट देखते हैं, जब लाइट की रेज ने ट्रेवल किया इस मीडियम से और यहाँ मिडल वाले पॉइंट पे आई, यहाँ पर देखो एयर की थिकनेस नहीं है, एयर है ही नहीं, यहाँ पर लाइट एक दूसरे हार्डर या डेंसर मीडियम से टकराएगी। जब भी लाइट किसी डेंस मीडियम से टकराती हैं या वेव्स किसी डेंस मीडियम से टकराते हैं तो वो अपना फेस चेंज कर लेते हैं और बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी जो क्रस्ट होते हैं वो ट्रफ्स में चेंज हो जाते हैं और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक दीवार के साथ एक स्ट्रिंग को बांधो और आप इसमें ये वेव पास करो तो जो वापस आने वाली वेव होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट फॉर्म में होगी। यही सिलसिला यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो वेव टकराए के वापस जा रही होगी तो इसका फेज बिल्कुल लैम्डा अपॉन टू से चेंज हो चुका होगा, इतना फेज डिफरेंस इसमें आ चुका होगा। आप देखो यहाँ पर कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, जब क्रस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है तो इस किस्म की इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही वजह है कि हमेशा जो मिड पॉइंट है हमारे पास वो ब्लैक होता है, वहां पर डार्क स्पॉट्स बनते हैं। इन्हीं ब्राइट
और डार्क स्पॉट्स को मिला के हमारे पास बनती है न्यूटन रिंग। ये है हमारे पास न्यूटन रिंग्स में बीच में बिल्कुल आपको मिलेगा एक डार्क स्पॉट। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल स्पॉट हमेशा डार्क क्यों होता है, इसका भी मैं आंसर आपको रिटर्न में भी दूंगी और समझाऊंगी भी। और ब्राइट स्पॉट्स क्यों बन रहे हैं ये भी आपको पता चल गया, और डार्क स्पॉट्स क्यों बन रहे हैं ये भी पता चल गया। और ये सब हो किसके रहा है, थिन फिल्म एयर फिल्म जो कि ग्लास स्लैब और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में बनी, उसकी वजह से ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न कॉज हो रहा है, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूटन रिंग। अब आप जरा न्यूटन रिंग की डेफिनेशन देखो। व्हेन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस विद इट्स कन्वेक्स सरफेस इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट एंड एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस इज फॉर्म बिटवीन द लेंस एंड द ग्लास प्लेट। जब हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस को रखेंगे ग्लास प्लेट के ऊपर, तो ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में एक एयर फिल्म बनेगी जिसकी थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी पेरिफेरी की तरफ। थिकनेस जो है ऑफ एयर फिल्म इज ऑलमोस्ट जीरो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस एज वन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द लेंस। इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली ऑन द लेंस एंड द फिल्म इज व्यूड इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, alternate bright and dark concentric rings are seen around the point of contact. These rings are called Newton ring. इस सिस्टम पे अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करें और रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखें तो हमें कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज या रिंग्स नजर आएंगे। कंसेंट्रिक मतलब उनका सेंटर एक ही होगा जहां पर दोनों प्लेट्स कॉन्टेक्ट में हैं उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एक डार्क स्पॉट होगा और उसके गिर्द हमें कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स नजर आएंगे और इन रिंग्स को हम कहते हैं न्यूटन रिंग्स। फर्स्ट थिंग जो आपने लिखनी है डायग्राम अगर आप चाहो तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड थिंग आपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखना है, तमाम मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने लिखना है एयर फिल्म कि जब ये एक्सपेरिमेंट आपने अरेंजमेंट किया तो एयर फिल्म फॉर्म होगी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस की। फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखी और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि हमेशा मिडल पॉइंट पे ही डार्क स्पॉट क्यों बनता है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इफेक्टिवली जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पर दोनों चीजें कॉन्टेक्ट करी है यहाँ पर थिकनेस जो है वो जीरो होगी, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ एयर फिल्म, लेकिन एयर फिल्म के लोअर सरफेस पर रिफ्लेक्शन की वजह से क्योंकि डेंसर मीडियम है एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा ऑफ लैम्डा अपॉन टू। कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या होगा इसका, सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पीछे मैंने बात समझा दी, समझ में आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें डेरिवेशन है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेंथ बोर्ड। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट बलूचिस्तान एंड अदर बोर्ड्स, बट अगर आप लोगों के लिए भी जरूरी है तो आप जरूर देखिएगा डेरिवेशन फॉर एंथ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज।